जिस प्रकार के विकास कार्य देवास में होना चाहिए वैसे नहीं हुए। पिछले जनप्रतिनिधियों ने देवास शहर को अंधकार में धकेला है, इसलिए आप सोच समझ कर निर्णय लें और अपने वोट का सही उपयोग करते हुए सही जनप्रतिनिधि चुने। महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन होगा तभी शहर का विकास संभव है। आपके इस महत्वपूर्ण सहयोग से हमारा शहर नंबर वन बनेगा। शहर का औद्योगिकरण चौपट हो चुका है, बेरोजगारी बढ़ रही है, शहर की नालियाँ व सड़कें नदी में तब्दील हो रही है। कई ऐसे कार्य हैं जो अब तक नहीं हो पाए हैं। हमें नए विजन के लिए अच्छा जनप्रतिनिधि बेहद आवश्यक है। यह चुनाव मेरा फैसला नहीं करेगा, देवास के विकास का फैसला करेगा। यह बात जनसंपर्क के दौरान निर्दलीय महापौर प्रत्याशी मनीषा दीपक चौधरी ने मतदाताओं के समक्ष कही और सूरजमुखी के फूल के लिए आशीर्वाद रूपी वोट देने की अपील की। चौधरी ने आज केदारेश्वर मंदिर से प्रारंभ कर मालीपुरा, ढोलीपुरा, मम्मन टोला, भेरूगढ़, पठानकुआ, बड़ा बाजार आदि अन्य क्षेत्रों में जनसंपर्क किया और उनसे चर्चा कर समस्याओं को जाना। जनसंपर्क के दौरान मतदाताओं का उन्हें अच्छा समर्थन मिल रहा है। कई स्थानों पर चौधरी का आरती तिलक लगाकर व पुष्प माला पहनाकर स्वागत किया गया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समर्थक एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की ये रिपोर्ट।